अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी खुशी खान। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग पे अपनी नंद के साथ, ईद की शॉपिंग के लिए। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अभी ईद आने वाली है जल्दी सी, तो यहाँ पे मैं सिरगी रोड पे अभी घर से निकल चुकी हूँ, अभी मेन रोड तक जा रहे हैं। और ये रिक्शा करवा ली अभी हम लोगों ने, अभी हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं कि हाँ शॉपिंग काफ़ी ज़्यादा करेंगे और अच्छी शॉपिंग करेंगे। तो ये हम लोग सिरकी रोड पे अभी रिक्शे पे निकल चुके हैं। हम लोगों ने सोचा था कि पहले सिटी सेंटर जाएंगे, तो सिटी सेंटर के लिए अभी हमने रिक्शा करवाया है। और यहाँ पे 12:30 बजे का टाइम हो रहा है और इस वक्त सिरकी रोड पे बहुत ज़्यादा रश है। क्वेटा वालों को तो पता है कि मतलब सिरकी रोड पे इस वक्त कितना ज़्यादा रश होता है। यहाँ पे तो मतलब सुबह शाम दोपहर को हर वक्त रश ही रश रहता है। तो यहाँ पे हम लोग जाके फंस गए थे, तो इस 15 मिनट हम लोग फंसे रहे। अब यहाँ पे हम लोग बल्दिया प्लाज़ा पहुँच चुके हैं, क्वेटा वाले बहुत अच्छे से जानते हैं ये जगह। इसके बाद हम लोगों ने सिटी सेंटर का करवाया था, तो ये हम लोग सिटी सेंटर पहुँचे। यहाँ पे मुझे कुछ लॉन्ग टाइप के ड्रेसेस चाहिए थे, तो मैं इस तरह से देख रही थी लेकिन मुझे कुछ खास नहीं लगे। अब हम जा रहे हैं दाऊद शॉपिंग सेंटर, ये है तूबा मस्जिद। और दाऊद शॉपिंग सेंटर पे यहाँ पे भी कुछ ड्रेसेस अच्छे थे लेकिन इसकी शर्ट्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट थी, तो ये भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। इसके बाद हम लोग कुछ कॉस्मेटिक्स की शॉप पर आए हैं, मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो आप आखिर तक देखते रहें, और मेरे जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। तो हमें वहाँ से कुछ नहीं मिला था, अभी हम लोग दोबारा से रिक्शे में बैठे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं शाह टावर। अब शाह टावर हम लोग गए हैं, ये है शाह टावर, और यहाँ पे सब रेडीमेड ड्रेसेस मिलते हैं। 2.5 घंटे हम लोग बाज़ार में खवार हुए हैं लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ कॉस्मेटिक्स की चीज़ें ली थी। तो यहाँ पे है ये एहसान बुटीक के नाम से है, और इन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी मतलब डिस्काउंट पे इन्होंने मुझे ड्रेस दिया था, आप इन्हें देख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं शाह टावर से, और मैं आपको अपना ड्रेस भी दिखा देती हूँ। इनके पास आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे कलर्स हैं ड्रेसेस के, इनकी क्वालिटी भी अच्छी है, और अगर आप मेरा नाम लेके कहेंगे तो ये आपको डिस्काउंट भी ज़रूर देंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाला जो ड्रेस आप देख रहे हैं ये मेरी नन ने लिया था, और इसके अलावा मुझे जिस तरह से ड्रेस चाहिए था, मुझे मतलब प्लाजो टाइप का मुझे ट्राउज़र चाहिए था और सिंपल टाइप की मुझे शर्ट चाहिए थी कि मतलब थोड़ा सा डिसेंट लगे, तो मुझे बहुत हैवी नहीं चाहिए था, तो ये मुझे यहाँ पे मिल गया, शुक्र है रीज़नेबल प्राइस पे मिल गया था। अब यहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, कुछ और नहीं मिल रहा था क्योंकि हम बाज़ार से निकल चुके थे, हम लोगों ने चिप्स खाए हैं, और अब हम लोग वापस जा रहे हैं अपने घर की तरफ। बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तकरीबन 5 घंटे हो गए थे हमें। ये भी मैं आपको अपनी नन का ड्रेस दिखा रही हूँ पूरा, ये आप देख सकते हैं कि इसका ट्राउज़र है और ये है इसकी शर्ट, ये मतलब अच्छी क्वालिटी में है, इसका स्टफ़ भी काफ़ी अच्छा है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था। ये आई थिंक 3500 का हमें ये वाला ड्रेस मिला था, और ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छा था, इसका दुपट्टा भी शिफॉन का था। और ये मेरा ड्रेस आप देख लें, ये मतलब इसका ट्राउज़र है, और ये ट्राउज़र आप देख सकते हैं मुझे इस तरह से प्लाजो टाइप में चाहिए था, तो ये शुक्र है मुझे मिल गया। और इसका आप दूसरा भी मतलब पैंचा आप देख लें कि मतलब कितना अच्छा लग रहा है, इस तरह से प्लाजो टाइप के बहुत अच्छे लगते हैं। और क्वेटा में मिल नहीं रहे थे, ये एक ही शॉप थी जहाँ पे मुझे मिल गया। और ये इसकी शर्ट है, इसके ऊपर थोड़ा सा काम हुआ हुआ है, और यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस शर्ट के नीचे जो है कपड़ा उस पर बहुत अच्छा मतलब प्रिंट हुआ हुआ है, तो मैंने कुछ अलग टाइप का सोचा है। मैंने सोचा कि आगे की तरफ से शर्ट को दो तरफ से ऊपर की तरफ पंच करूँगी, इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ, दो तरफ से मैं ऊपर से पंच करूँगी ताकि नीचे से जो शर्ट का जो प्रिंट है वो नज़र आए, और शर्ट थोड़ी सी और स्टाइलिश हो जाए ताकि पीछे से सेम रहे और आगे से थोड़ा सा नज़र आए। तो ईद पे मैं आपको जब ये दिखाऊंगी, तो फिर आपने ईद पे मेरा ब्लॉग देखना है, ईद पे मैं इंशाल्लाह आपको इसकी पूरी वीडियो बना के दिखाऊंगी कि मैंने कैसे किया है, कि आप देख सकते हैं, ताकि आगे वाला जो कपड़ा है वो थोड़ा सा ऊँचा हो जाए और जो पीछे की जो प्रिंट वाली शर्ट है वो थोड़ी सी नज़र आए, ताकि थोड़ी सी स्टाइलिश भी लगे। तो अब मैं आपको अपना मेकअप का सामान दिखा देती हूँ, जो जो मैंने लिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे मैंने ये बैंगल्स लिए थे अपने ड्रेस के साथ। इसके अलावा यहाँ पे मैंने ये वाला कड़ा टाइप है, ये मैंने लिया था, ये मतलब एक ही बंच वाला है। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने अपनी एयरिंग्स ली हैं, ये मैंने ब्राउन कलर लिया है, लेकिन ये मैंने हेयर के लिए नहीं लिया है, ये मैंने हाथ की मेहंदी पे लगाने के लिए। फेस पाउडर लिया है मैंने मेडोरा का, बीबी क्रीम ली है, ब्लश ऑन लिया है मैंने हुदा का, और ये मेरा 3 पैकेट वाला था, ये मैं टूट गया। 4 मैंने यहाँ पे नेल पॉलिशेस ली हैं, और इसके अलावा यहाँ पे मैंने 2 दाने लिए हैं अपने लिप ग्लॉस, एक हुदा ब्यूटी का और एक किटी वाला का, और ये मेरा फेवरेट आईलाइनर है और ये मैंने लिया था। मतलब मैं हमेशा तकरीबन 10 साल हो गए मैं यही वाला लाइनर यूज़ करती हूँ। इसके अलावा ये क्यूट सा मैंने ब्रश लिया है, छोटा सा हेयर ब्रश, ये भी काफ़ी अच्छा था।
और ये सारी चीज़ें आज मैंने ले ली हैं। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ शॉपिंग जो मैंने की है, एहसान बुटीक के नाम से इनका शॉपिंग सेंटर का है, इसका यहाँ पे नंबर भी लिखा हुआ, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और ये इनके जो है मतलब कपड़े हैं जो मैंने ड्रेसेस की पिक्चर्स ली थी वहाँ पे, तो ये पिक्चर्स जो है मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ। अगर आप लोग जाना चाहें यहाँ पे तो आप शाह टावर में आप चले जाएं, आर्चर रोड पे है शाह टावर, मिकांगी रोड जहाँ पे ख़त्म होता है, तो आप मेरा नाम लेके इनसे डिस्काउंट भी ले सकते हो, इंशाल्लाह ज़रूर डिस्काउंट देंगे। और इनकी मतलब प्राइस इनकी पूरी मतलब जो मार्केट है वहाँ से काफ़ी अच्छी है, एहसान बुटीक इसका नाम है। तो आई होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे नई वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।